तो अगर मैं आपको बोलूं ये कैमरा जो मेरे हाथ में, ये 40,000 रुपीस का कैमरा है, लेकिन ये कैमरा बेकार है इसके आगे। अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये शूट हो रही है स्मार्टफोन से, एक बजट स्मार्टफोन से। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी का ले सकते हो और फिर एक अच्छी वीडियो, प्रोफेशनल वीडियो शूट कर सकते हो। तो कैसे आपको फोन की हेल्प से प्रोफेशनली वीडियो शूट करनी है आज की इस वीडियो में कवर करने वाले। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है और सबसे बड़ा पॉइंट आता है, वो आता है हमारी लाइटिंग। लाइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम वीडियो शूटिंग की बात करें, खासकर स्मार्टफोन से। आप चाहो तो आउटडोर में भी शूट कर सकते हो और चाहो तो इंडोर में भी शूट कर सकते हो। आउटडोर का फायदा ये मिल जाएगा आपको कि वहां पे आपको नेचुरल लाइटिंग मिलेगी और आपको कोई जरूरत नहीं है अलग से लाइट खरीदने की। अगर मैं इंडोर की बात करूं तो आप चाहे दिन में शूट करो, रात को शूट करो, बस आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एक लाइट में। और लाइटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूं। तो ये खेल होता है लाइटिंग का। अभी मैंने रूम की लाइट जला रखी है और अगर आप भी अपनी वीडियो ऐसे शूट करते हो तो आपको भी कुछ ऐसे रिजल्ट मिलते होंगे और इसीलिए हो सकता है काफी सारे लोग आपकी वीडियोस वॉच नहीं करते हैं क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। चलो अब नॉर्मल लाइट ऑन करते हैं, ठीक है। तो लाइटिंग से भाई ये फर्क पड़ता है। इंडोर लाइट में बस आपका ये सीन है कि आपको एक लाइट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हो सकता है यहाँ पे आप एक अच्छी महंगी लाइट पे इन्वेस्ट करो, लाइक मैं जो यूज करता हूँ गोडॉक्स SL60W, ये अराउंड 8,000 या 10,000 की लाइट है, ठीक है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 3 साल से चल रही है। इसके अलावा अगर आप बजट में चाहते हो कुछ तो आप रिंग लाइट बाय कर सकते हो, आपको 3 से 4 हज़ार में एक अच्छी क्वालिटी की रिंग लाइट ऑनलाइन मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आपके लिए, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब लाइट के बाद सेकंड हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कैमरा सेटिंग। अब आपको ना कैमरे को भी एक तरीके से सही तरीके से सही सेटिंग रखनी है ताकि वो अच्छे से शूट कर पाए और आपकी वीडियो की आउटपुट, वीडियो का आउटपुट अच्छा मिले आपको। आप अगर फोन से शूट कर रहे हो तो फोन के कैमरे में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप मैनुअली चीजें नहीं चेंज कर सकते वीडियो सेटिंग में। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एंड्रॉइड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओपन कैमरा। बाकी iOS के लिए जो मुझे अच्छा एप्लीकेशन मिलेगा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। ओपन कैमरा यूज करोगे उसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंगल सेट करने का, ग्रिड लाइन, ओवरऑल बहुत सारी चीजें, एक्सटर्नल माइक ऐड करने का। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता दूँ, ISO बहुत एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा खराब भी कर सकता है आपकी फुटेज को और अच्छा भी कर सकता है। फोन में ISO अगर आप ज्यादा इंक्रीज करते हो वो आर्टिफिशियल लाइट होती है। ISO अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो, आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं है डे लाइट में, अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो स्पेशली रात के टाइम पे शूट कर रहे हो या फिर वीडियो जहां पर कम लाइट है और अगर आपका फोन ISO बढ़ाता है, ऑटोमेटिकली अपनी लाइट बढ़ाता है, तो वहां पर आपकी वीडियो की क्वालिटी लो होगी और आपकी वीडियो पे बहुत ज्यादा नॉइज और ग्रेन आएगा। और इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिटपॉ वीडियो इनहेंसर के बारे में। हिटपॉ की अगर मैं बात करूँ, हिटपॉ एक ऐसी कंपनी जो स्पेशलाइज करती है AI में और ये प्रोडक्ट्स बनाती है स्पेशली क्रिएटर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। लाइक अभी मैं यहाँ पर बात करूँ वीडियो इनहेंसर के बारे में, हिटपॉ वीडियो इनहेंसर के बारे में। आप इसकी हेल्प से अपनी वीडियो को अपस्केल कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल अपने फोन से शूट करते हो 1080p की फुटेज, फुल HD की फुटेज, आप उसको 4K और 8K तक ले जा सकते हो। और ये सिर्फ अपस्केल नहीं करता है, ये उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ चार हमारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स आते हैं। सबसे पहला मॉडल बात करो तो जनरल डीनॉइज, जहां पर आप ग्रेनी या नॉइजी फुटेज को सही कर सकते हो और नॉइज बिल्कुल हटा सकते हो। दूसरी हमारी चीज आती है एनिमेशन मॉडल्स, जहां पर हम लोग किसी भी एनिमेशन फुटेज को, एनिमेटेड फुटेज को इंप्रूव कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ब्लरीनेस भी काफी हद तक रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा थर्ड मॉडल की बात करें फेस मॉडल, जहां पर आप नॉर्मल फुटेज को, जहां पर आपका फेस हो या फिर नॉर्मल आप वीडियो शूट कर रहे हो उस फुटेज को भी इंप्रूव कर सकते हो, वो ब्लरी हो, अच्छी क्वालिटी ना हो, वो उसको इंप्रूव करके आपको दे देगा फेस मॉडल। और लास्ट फोर्थ आता है हमारा कलराइज मॉडल, जहां पर आप ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज को कलर करवा सकते हो इसकी हेल्प से और ये आपको कुछ ऐसे रिजल्ट दे सकता है। आप सिर्फ 3 स्टेप के अंदर इसमें वीडियो को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसके अंदर वीडियो को ऐड करना है, दूसरी चीज आपको ऑप्शन ऐड करना है आपको कौन सा मॉडल चूज करना है, इसके बाद आपको सिंपल थर्ड स्टेप एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। तो अगर आप हिटपॉ वीडियो इनहेंसर यूज करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो और ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। हमारी थर्ड चीज आती है, ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं जुगाड़ करते हैं इसमें, वो होता है हमारा ट्रायपॉड। एक ट्रायपॉड पे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप ऐसे एक छोटे ट्रायपॉड पे इन्वेस्ट करो, चाहे आप एक नॉर्मल साइज ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट करो जिसको आप खड़ा कर सकते हो, टोटली आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ट्राइपॉड पे जरूर इन्वेस्ट करो। एक शेकी फुटेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वहीं एक स्टेबल फुटेज बहुत अच्छी लगती है। खासकर बात करें स्मार्टफोन के बारे में, स्मार्टफोन में आपकी स्टेबल फुटेज रहेगी तो वो और ज्यादा प्रोफेशनल लगती है। एक जगह पर बैठ के वीडियो बनाते हो तब स्पेशली आपको ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एक अच्छे ट्राइपॉड पे। अगर आप मूव करते वीडियो बनाते हो तो एक मिनी ट्राइपॉड ले लो, लाइक आप व्लॉगिंग करते हो तो, वैसे उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है मोबाइल व्लॉगिंग सेटअप, आप ऊपर आई बटन में वॉच कर सकते हो, लेकिन ट्राइपॉड मस्ट है। अभी यहां पर हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपना बैकग्राउंड। अभी आपको इस वीडियो में दो बैकग्राउंड दिख रहे होंगे मेरे राइट साइड पे, यहाँ पर मेरा व्हाइट बैकग्राउंड है और यहाँ पर मेरा डार्क बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, लेकिन ये बैकग्राउंड थोड़ा डार्क होगा और बैकग्राउंड इतना क्लियरली नहीं नजर आ रहा होगा, शेडोज होंगी। अभी यहाँ पर दो चीजें मैंने क्यों रखी है, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बोलूंगा एक प्लेन बैकग्राउंड यूज करो, लाइक एक प्लेन वॉल यूज करो या फिर एक प्लेन ग्रीन स्क्रीन यूज करो जिसको आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, फोन में हमारे जो कैमरा होता है ये बैकग्राउंड ब्लर नहीं करता है, तो वो इफेक्ट नहीं आता है एक हाई क्वालिटी वाला। अगर आप प्लेन बैकग्राउंड यूज करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं अगर मैं दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन आपको क्या है, आप एक डार्क बैकग्राउंड यूज करो, ऐसा बैकग्राउंड जो जहां पर बैकग्राउंड में लाइट ना हो, लाइक आपने पूरे रूम की लाइट नहीं जलानी है, वो पूरे रूम को ओवरऑल ब्राइट करेगा। आपको ऐसी लाइट जलानी है जो सिर्फ आप पे फोकस करो और बैकग्राउंड फिर आपका ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा, तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे शूट करूँ तब भी मुझे अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अगर मैं यहाँ पे शूट करूँ प्लेन बैकग्राउंड में तब भी मुझे अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अब हमारी जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेरी नजर में, ये आती है हमारी ऑडियो। इस वीडियो के अंदर मैं एक एवरेज वीडियो क्वालिटी के साथ साथ हाई क्वालिटी ऑडियो यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे एक एवरेज वीडियो क्वालिटी के साथ लो ऑडियो क्वालिटी यूज करूँ, जो मेरे स्मार्टफोन की ऑडियो है वही यूज करूँ, तब आपको कैसी ऑडियो आ रही है ये आप लोग सुन सकते हो। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, हाईली ये रेकमेंड करूंगा कि आप एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन लो, अलग से एक माइक्रोफोन बाय करूँ, चाहे वो एक सस्ता माइक्रोफोन है 100 रुपये का माइक्रोफोन हो या फिर एक 10,000 रुपये का माइक्रोफोन है, टोटली आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अपने फोन का माइक्रोफोन बिल्कुल यूज मत करना अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक आईफोन हो और आप ब्लॉगिंग करने वाले हो। ज्यादा लोगों का काम बन जाएगा एक ऐसे माइक्रोफोन से जो लेपल माइक्रोफोन है, मेरे यहाँ पे लगा लैव माइक्रोफोन बोलते हैं इसे, ऐसा माइक्रोफोन आपको 1,000 रुपये का भी मिल जाएगा। बोया माइक्रोफोन बोलते हैं उसे, 700 या 500 ऐसे अराउंड समथिंग उसका प्राइस रहता है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। बाकी जो माइक्रोफोन मैं सजेस्ट करता हूँ उसके लिंक में सारे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आप व्लॉगिंग कुछ टाइप करते हो तो आप ऐसा माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हो, बोया BY MM1, ये माइक्रोफोन भी आपको 1500 रुपीज का मिल जाएगा। ये एक शॉटगन माइक्रोफोन होता है जिसके अंदर ऐसा माइक्रोफोन हमारा रहता है। तो आई होप आपको ये सारे 5 पॉइंट समझ आ चुके होंगे, ऑडियो, लाइट एंड हमारे कैमरा सेटिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आपका बैकग्राउंड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हम यूट्यूब से रिलेटेड कॉन्टेंट अक्सर डाला करते हैं। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।